जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। अरे बाबूजी, आप बाकी झूले पे? हाँ बेटा, जब मन एक जगह शांति से नहीं रुक पा रहा तो तन एक जगह रुक के कैसे बैठ जाएगा? क्या हुआ बापूजी, कोई परेशानी है? तू बैठ। क्या है बेटा, जब तू छोटा था तब बहुत सारी परेशानियां थी, जैसे बिजली का बिल, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई वगैरह वगैरह। लेकिन जब से तेरी शादी हुई है तब से सिर्फ एक ही परेशानी है, तू। बापूजी, जो कहना है साफ साफ कहिए ना प्लीज। हाँ, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन फिर सोचता हूँ कि जो पहले नहीं समझा वो अब क्या समझेगा। सुबह मालविका मुंबई जाने की बात कर रही थी, तुम दोनों को अचानक मुंबई क्यों जाना है? वो मालविका मुंबई में एक नया रेस्टोरेंट, यहाँ जो रेस्टोरेंट है खोलने थे वो खुल गए? नहीं बापू जी, अभी तो उनमें काम शुरू हुआ है। तो ये काम बीच में छोड़ के वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुक्कू मुंबई में भी बिजनेस सेटअप करना चाहती है, अब उसकी मर्जी है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। और आप तो जानते हैं बापूजी कि बिजनेस में जिसका पैसा होता है उसी की चलती है। तू कब से दूसरों के कहने पे चलने लगा? पैसा किसी का भी हो, सिक्का तो तू अपना ही चलाता है, जैसे इस बार भी कर रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है बापूजी। ना हो तो ही बेहतर होगा। काम कर रहा है, कर, लेकिन बस काम कर, वो भी तरीके से, सलीके से। तो इतना नासमझ तो नहीं है कि तुझे हर बात खुलकर समझानी पड़े। मैंने बिना कहे जो कहा है उसके बारे में सोचना। आपने कहा नहीं बापूजी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुक्कू के बारे में बात कर रहे थे। बट डोंट वरी, मुझे मुक्कू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, है तो सिर्फ अपने गोल में। मुक्कू सिर्फ एक सीढ़ी है बापूजी, जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन बापूजी ने यह बात कही क्यों? आई एम श्योर काव्या और अनुपमा ने उन्हें भड़काया होगा। तनी अनुज सो गए होंगे कि नहीं? तो सो गए, कल बात करती हूँ। अनुपमा का फोन, ईश्वर। हेलो अनुपमा बेटा, सब ठीक तो है? आप सो तो नहीं रहे थे? सॉरी, आपको इतनी रात के परेशान किया। नहीं बस सोने जा ही रहा था। क्या हुआ बेटा, इस वक्त क्यों फोन किया? वहाँ सब ठीक है ना? ठीक नहीं है बापू जी, पर मैं आपको बता भी नहीं सकती। बस आपसे बात करने का मन कर रहा था बापू जी। मुझे पता है तू भी वनराज और मालविका की वजह से परेशान है, लेकिन तू बता नहीं पाएगी। अच्छा क्या फोन किया बेटा, मेरा भी मन कर रहा था तुझसे बात करने का। वहाँ सब ठीक है बापूजी? सब ठीक तो कभी होगा ही नहीं बेटा। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा बापूजी, सब 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 ठीक हो जाएगा। तू कह रही है तो जरूर हो जाएगा बेटा।
पर अगर नहीं होगा तो हम कर लेंगे। हाँ करना ही पड़ेगा, बल्कि हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, तेरा पिता तेरे साथ है। थैंक यू बाबूजी। अच्छा मैं रखता हूँ। ओ लीला आएगी तो इतने सवाल करेगी कि नींद भी डर के मारे उड़ जाएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। आपको बता नहीं पाए पर फिर भी आपसे बात करके हमें सामान हल्का हो जाता है बाबूजी। तू बात भले ही न कर पाए पर ठीक जरूर कर देगी। मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है। मेरी बेटी का ध्यान रखना कान्हा जी, उसकी नई दुनिया में पुरानी दुनिया की वजह से कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ पर तुमसे नहीं। मैं अपनी और मुक्कू की बात नहीं बताती, इस बात का बुरा लग रहा है। पहले लगा था, फिर सोचा कि मैंने भी तुम्हें कितना कुछ नहीं बताया। इट्स ऑलराइट अंकल, इट्स ऑलराइट। कल मुक्कू ऑफिस से कब निकल गई पता ही नहीं चला। जब से आई है तब से कमरे में ही है, बाहर नहीं आई। आती है तो उससे बात करेंगे। हाँ। मुक्कू तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? रिलैक्स गाइस, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। जाहिर सी बात है तुम बैग लेके अपने रूम से यहाँ तो कहाँ जा रही हो बताओ मुझे। वेरी स्मार्ट। यस, नए रेस्टोरेंट की जगह देखने के लिए मुंबई जा रहे हैं हम दोनों। हम दोनों एज इन तुम और वनराज? नहीं, मैं और अक्षय कुमार। ऑब्वियसली ना, अगर वनराज मेरा पार्टनर है तो वही आएगा मेरे साथ, राइट? डोंट वरी, हम लोग शाम की फ्लाइट से वापस भी आ जाएंगे। चिल भाई, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखा भाई, मैंने बचपन में कहा था ना कि मेरा राज आएगा, मेरा राज आएगा, मेरा राज फाइनली आ चुका है। मुक्कू का राज आ चुका है। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट सो फनी। कितना स्मार्ट जोक था ना, और वो राज और राज का जो वर्ड पे था, that was crazy ना, है ना भाई? Nice ना? Thank you. Hello. मुक्कू, नीचे कैब वेट कर रही है, चलें? Oh yes yes absolutely. Bye. समझ? Yes. तुम क्या खड़े हो? चलो ना. बाय अनुज। बाय अनुपम। This is not done. हमें ये सब रोकना होगा। हम सिर्फ सेम रखे हैं ना, हम कुछ सोच सोच। हम भी मुंबई गए थे अनु, लेकिन ना ही मुक्कू अनुपमा जैसी है और ना ही ये वनराज अनुज जैसा। आप जरा शांत रहिए। कैसे शांत रहूं मैं? कैसे शांत रहूं मैं? उस दीमक को, उस घटिया इंसान को मुक्कू की जिंदगी में घुसते देख रहा हूं और मैं कैसे शांत रहूं? वो इंसान किसी की भी जिंदगी में जाए, एंड में वहां से वासु होते हैं और कुछ नहीं होता अनु।
मुक्कू बच्चे जैसी है पर बच्ची नहीं है। इसी बात का प्रॉब्लम है अनु, यही तो प्रॉब्लम है कि वो बच्ची नहीं है। अरे वो बच्ची होती तो मैं उसको समझा के डांट के बहला फुसला के घर में रख सकता था। मेरी बहन इमोशनल है, वो किसी चीज से अटैच नहीं होती जल्दी, वो किसी शहर में नहीं रुकती एक महीने से ज्यादा कि वहां अटैचमेंट ना हो जाए। जो सबसे दूर भागती है, अगर वो किसी से अटैच हो जाए तो फिर उसे उस इंसान से, उस चीज से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स डैम टफ अनु। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में जो पहले हुआ दोबारा हो, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दैट डैम वनराज। बस 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 ऐसा मत सोचिए अनुज, मुकू बेवकूफ नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो 10 साल आपसे दूर रही है तो उसकी जिंदगी में उसे ऐसे लोग नहीं मिले होंगे? अरे उसने दुनिया देखी है। मैंने भी देखी है। देखिए मैंने अपनी दुनिया में वनराज शाह जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। उस इंसान को अपना कमीनापन छुपाना आता है, लोगों को मैनिपुलेट करना आता है, भले आदमी का ढोंग करना आता है, एंड अबव ऑल उसे बेचारा बनना आता है। बेचारा। आई जस्ट कांट बिलीव कि मैंने मुक्कू को ऐसे आदमी के साथ जाने दिया। अभी तो वो सामने से गई है, रोकते तो वो चुप के जाती, तब क्या करते? मुक्कू को ताले में बंद करके रखते। मेरे 3 बच्चे हैं, जानती हूँ कि फूकने से आग बुझती नहीं है और भड़क जाती है। और मुकू के मन में अगर कुछ भी गलत होता ना, कुछ भी गलत होता तो वो ऐसे बता के नहीं जाती कि मैं मुंबई जा रही हूँ, कह देती कि मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ। हम क्या कर लेते, हमें कैसे पता चलता, बताइए। और कल भी उसने खुद आके मुझे बताया, चाहती तो नहीं बता सकती थी, हमें कैसे पता चलता कि उसके मन में क्या है। चिंता करना ठीक है पर गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जो भी करना है सोच समझ के करेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जानती हूँ पर मैं हूँ आपके साथ हमेशा और मुश्किल है। तुम्हारे भ्राता श्री ने कुछ कहा? भ्राता श्री? I like that. भ्राता श्री? कुछ कहा उन्होंने? किस बारे में? मुंबई जाने के बारे में? कुछ नहीं। और अनुपमा ने? अनु क्या कहेगी, उसने भी कुछ नहीं कहा। मुंबई जाने का प्लान अचानक बन गया तो मुझे लगा शायद थोड़े सरप्राइज हुए होंगे। चल यार आज इतना लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट मैं इस बार बताकर तो जा रही हूँ, यूजुअली तो मैं ऐसे ही भाग जाती हूँ। जितना सरप्राइज वो लोग आज हुए होंगे उससे कहीं ज्यादा आने वाले दिनों में होंगे। हमारी सक्सेस राइट? एब्सोल्युटली वन एक आवर रॉक्स। आज काम में तो आपका मन लगेगा नहीं, तो आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? ऐसी हालत में जब तोसु और समर छोटे थे ना, तो तोसु के पास एक 3 पहिए की साइकिल थी और समर के पास एक लकड़ी का घोड़ा। समर को लगता था कि घोड़ा तो हमेशा साइकिल से तेज भागता है, तो वो तोसु के साथ रेस लगाता था और पूरी जोर लगा देता था, पर समर का घोड़ा वहीं के वहीं रह जाता था और तोसु तो साइकिल लेकर गली के पार चला जाता। चिंता भी वही लकड़ी का घोड़ा है, आदमी बैठे बैठे बस इधर उधर होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। उसे लगता है कि बात कहीं तो जाएगी, पर जैसे समर का घोड़ा कहीं नहीं जा पाया था वैसे ही बात कहीं नहीं जा पाती। आप भी इस लकड़ी के घोड़े से उतरिए और बाहर चलिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं जाके ऑफिस के लिए तैयार हूँ। तो तुम मुझे डेट पर लेके कहाँ जा रही हो अनु? क्या कहा आपने? डेट? मैंने कहा कि बाहर चलेंगे, मैंने डेट नहीं। तो है, अब तुमने पहली बार डेट के लिए पूछा है, मैं मना कैसे कर दूं? पर मैंने नहीं पूछा, मैंने ऐसा नहीं कहा। होगी तो डेट ही।
तो फिर तेरा। आज अनुपमा लेके जाएगी अनुज को डेट पर। जितना समझा सकता था समझा दिया, अब समझ जाए तो अच्छा है, उसके लिए भी और बाकी सबके लिए भी। हर रिश्ते की एक लकीर होती है, अगर वो लकीर पार कर देगा तो सब कुछ बिखर जाएगा, और अगर वो संभल कर रहेगा तो न परिवार को कोई परेशानी होगी, न अनुपमा अनुष को, न काव्या को। सोचता हूं अनुपमा अनुज से एक बार बात कर ही लूं। किस बारे में? शादी के बारे में। भले अनुपमा को उस घर में सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अनुपमा ने वो कमाए हैं, लेकिन उसके है नहीं। समय बदलते देर नहीं लगती लीला, और कई बार समय के बदलते रिश्तों में खटास आ जाती है, दूरी आ जाती है। ऐसे में वही रिश्ता टिक पाता है जिसका नाम हो। एक बार बात छेड़ कर देखता हूं, बाकी वो समझदार है, जो सही लगेगा वही करेंगे। शादी? हाँ, अब दोनों साथ में रह रहे तो यही सही, लेकिन ये मुक्कू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हवाई जहाज में होगी, सब ठीक है, सब ठीक है। और ये अनुज कहाँ रह गए? इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं मुकुल से फोन करके झगड़ा तो नहीं कर रहे? आप ये आप है? मैं ही हूं। अच्छा, ये वो एक्चुअली पहली डेट है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं, तो फिर आज का जो फैशन है वो ट्राई किया। अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छे लग रहे, पर हम डेट पे नहीं जा रहे तो इतना तैयार होने की जरूरत नहीं थी। वो हम पहली बार ऐसे बाहर जा रहे थे ना, तो मुझे लगा कि कुछ अलग करता हूँ मैं। लड़के भी नर्वस होते हैं, जस्ट टू टेल यू। हम आपको देखिए, मुझे भी ऐसे नर्वस हो रहे हैं। क्यों? आप इतने अच्छे लग रहे हैं कि कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये हीरो जैसे आदमी के साथ ये कैसी औरत घूम रही है। कह के देखें? नहीं, कह के देखें जरा, पता क्या कहेंगे कि इतनी क्लासी औरत ने इस नमूने में आखिर देखा क्या, ये कहिए। बता दो, बता दो, बता दो, आज तो तुम बता ही दो। टेल मी, हट, यू हट, यू हट, यू हट, यू हट, यू हट, क्या सोच रहे हो मुकु? डील अच्छी है, फाइनल कर देते। मुकु क्या सोच रहे हो इस प्रोजेक्ट के बारे में? अरे सोचना क्या है, हम रेडी, इन्वेस्टर रेडी है, लेट्स डू इट। देखो मुकु, ज्यादा सोचो मत,
जब कोई अच्छी चीज होनी होती है ना तो सब चीजें अपने आप होने लगती है। अभी परसों हम मुंबई प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, आज हम मुंबई में खड़े हैं। वी हैव द फंड्स, लेट्स गो फॉर इट। कम ऑन मालविका, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, से यस। नो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।